अगर आप अब तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि आपको इस ईद पर किस तरह का मेकअप लुक क्रिएट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस लुक को जरूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। मेकअप को स्टार्ट करने से पहले स्किन को प्रिपेयर कर लेंगे फेशियल ऑयल से। तो यहाँ पर मैं मैक का फेशियल ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। आप फेस सीरम भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ मॉइस्चराइजर को भी लगा सकते हो, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा दीजिए ताकि आपकी स्किन जो है प्रिपेयर हो जाए मेकअप के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर लैक्टोकैलामाइन का फेस लोशन यूज कर रही हूँ मैं। ये ऑयल बैलेंस फेस लोशन है। समर्स में मोस्टली आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और मेकअप से भी बहुत हेवी फील करती है, तो इसलिए मेरे स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए फेस को मैं यहाँ पर इस लोशन का यूज़ करती हूँ। आप इसे डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑयल को लॉक कर देता है और स्किन को फ्लॉलेस दिखाता है। आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आई बेस को लगा रही हूँ और अगर आपके पास आई बेस के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है स्पेशल तो आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हो या फिर जो फाउंडेशन आप अप्लाई करने वाले हो उसी फाउंडेशन को आप आईलिड के ऊपर, आईबॉल के ऊपर लगा सकते हो। आप फाउंडेशन की जगह बेबी क्रीम या सीसी क्रीम का भी अप्लाई कर सकते हो। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम का यूज करूँगी मैं और जो मेरे ड्रेस से मिलता जुलता कलर है ग्रीन शेड उसे मैं अपने आईलिड के ऊपर इस तरह से सबसे पहले फेंट जो है स्टार्ट कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा लाइट कवरेज के साथ इसे ब्लेंड कर दूंगी मेरी क्रीज एरिया पर। इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और इनर कॉर्नर पर मैं सेम कलर जो है डार्क पुट करूंगी। यहाँ पर मैं दो कॉम्बिनेशन में आई मेकअप करने वाली हूँ, गोल्डन और ग्रीन, जो मेरे ड्रेस कलर से मिलता जुलता है। आप किसी भी कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आईबॉल के ऊपर मैंने गोल्डन कलर पुट कर दिया है और इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से मेरे ग्रीन शेड के साथ। दोनों एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन नजर ना आए और इनर कॉर्नर पर भी ग्रीन कलर डार्क यूज करूंगी। सेम कलर में वाटर लाइनिंग के ऊपर अप्लाई करूंगी लेकिन सिर्फ हाफ वाटर लाइन पर मैं ग्रीन अप्लाई करूंगी और स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं सेम जो कलर मैंने गोल्डन अप्लाई किया है उससे अप्लाई कर दूंगी। कॉर्नर पे हमें गोल्डन यूज करना है और जो एंड लाइन है वाटर लाइन की वहां पर मैं ग्रीन शेड जो हमने आई शेडो को यूज किया था उसे अप्लाई कर देना है। सेम जो है मैं अदर साइड पर भी आई को क्रिएट कर दूंगी। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद भी आएगा, तो अभी से लाइक कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए और कई सारे ट्यूटोरियल मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं तो उन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिए। और फेस को करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज करेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं आपके ब्लेमिशेस के लिए, स्कार्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए और पिंपल को भी हाइड करने के लिए। बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑरेंज लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हो या फिर रेड लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। अंडर आई को कंसील करने के लिए यहाँ पर मैं मैक का प्रेप अप कंसीलर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो फाउंडेशन उसे अप्लाई कर सकते हो और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। फिंगर टिप्स के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वरना क्रीजिंग लाइंस आ जाएगी और वो दिखने में अच्छी नहीं दिखती है। स्पंज की मदद से अच्छे से उसे टैप टैप करके हम फिक्स कर देंगे और जो पूरे एरियाज को हमने लॉक किया है करेक्टर से उसे भी हम डैबिंग करके फिक्स कर देंगे। बेसिकली हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड इस तरह से करें जैसे कोई भी पैची स्पॉट नजर ना आए
तो इसे थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है 01 आइवरी। इसका स्पेशल ट्यूटोरियल आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, लॉन्ग लास्टिंग है। ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी मैं। और समर्स में स्पेशली आपका फाउंडेशन जो है काला पड़ जाता है या फिर क्रीज लाइन आ जाती है, तो आप इसीलिए बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करें और आपकी स्किन को प्रिपेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स मेकअप के बाद आपके फेस के ऊपर ना नजर आए। ब्यूटी ब्लेंडर का हमेशा यूज जो है उसे वेट करके ही कीजिए, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज मत कीजिए। यहाँ पर मैं आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए जो कंसीलर है उसी को इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। इससे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमारी आईब्रोज जो है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है और एक परफेक्ट शेप उन्हें मिल जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप नॉर्मल और इसमें डिफरेंस देख सकते हो, एक तरह से मैंने किया था, एक तरफ से नहीं किया था तब। और उसे भी हम डैप डैप करके वहीं पर फिक्स कर देंगे, उसे मूव नहीं करना है, क्योंकि हमारा आई मेकअप जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसे आई मेकअप के बाद ही आपको करना है, तो इसलिए उसे वहीं पर डैप करके आपको फिक्स कर देना है। और आईब्रो ड्राइंग पैलेट से मैं आईब्रोज को डिफाइन कर दूंगी। आप आई शेडो का यूज कर सकते हो इसके लिए, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर। और लास्ट में यहाँ पर मैं आईब्रो पेंसिल से नेचुरली फिलिंग दे दूंगी। बहुत ही अच्छी कवरेज मिलती है आईब्रो पेंसिल से भी, और कोम कर दूंगी स्पूली के हेल्प से। और मेकअप को फिक्स करने के लिए ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज कर रही हूँ। ये बनाना पाउडर है इनसाइड का, आप कोई भी लूज पाउडर ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज कर सकते हो। अच्छे से हम पूरी तरह से कवर कर देंगे। और फेस को कॉन्टर करने के लिए ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ मैं। कॉन्टोरिंग किस तरह से की जाती है इसका स्पेशल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसे चेकआउट जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने किस तरह से फेस को कॉन्टोर करना है, किस चीज़ों का आप यूज कर सकते हो, तो आप जरूर एक बार उसे आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हो। ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हार्श लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। नोज को कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ क्योंकि नोज मेरा ऑलरेडी शार्प है। मैं सिर्फ चिक्स को कॉन्टोर कर रही हूँ क्योंकि मेरी चिक बोन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है। फोरहेड को भी मैं कॉन्टोर कर दूंगी। फेस हमें ओवल दिखाना है, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट मैं इसे सेट करने के लिए अप्लाई कर दूंगी। पूरी तरह से ये फाइनल सेटअप हो जाएगा। नोज को कॉन्टोरिंग भी आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अब ब्लशर का यूज करूंगी। ब्लश पिंक शेड में यूज कर रही हूँ मैं, ठीक जहां पर कॉन्टोर किया है उसी लाइन के ऊपर। ब्रॉन्जर भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं हाईलाइट कर दूंगी आईब्रो बोन को। जहाँ जहाँ पर आप हाइलाइटर यूज करना चाहते हो वहाँ वहाँ पर आप हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हो। तो नोज को, फोरहेड को, लिप्स पार्ट को और चिक्स बोन को भी मैं हाईलाइट कर दूंगी। ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर लाइनर का अप्लाई कर रही हूँ मैं, ये पेन आईलाइनर है। और लाइनर को अप्लाई करने के बाद काजल को भी पूरे आई में हम वाटर लाइन पर फील कर देंगे। सिर्फ आई मेकअप से ही कितना अच्छा लुक डिफाइन हो जाता है, आप देख सकते हो पूरा लुक ट्रांसफॉर्म हो गया है। हुडा ब्यूटी के फॉल्स आईलैशेस यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। इसे भी किस तरह से अप्लाई करते हैं उसका एक स्पेशल ट्यूटोरियल चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, ऊपर आई बटन के ऊपर आप चेक कर सकते हो।
हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक वाइन शेड में यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा शेड है और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड लिपस्टिक ये आपको मिल जाती है अफोर्डेबल प्राइस में। लिंक अभी फ़िलहाल नहीं देख सकती। और मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं फिक्सिंग स्प्रे का अप्लाई कर रही हूँ। ये टी ट्री ऑयल के साथ फिक्सिंग स्प्रे मेरे पास है। और हियर वी गो, हमारा मेकअप लुक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप इसे रिक्रिएट ज़रूर कीजिएगा और मुझे टैग करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।